Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel Isiksha Rajasthan. Let's start. बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? First class का second chapter, comparison of numbers. क्या सीखेंगे? Comparison of numbers. Comparison मतलब तुलना करना कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. कंपेयर करना कि दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है. जैसे हम पढ़ते हैं, बाय कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो दोनों डिजिट है उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है. रिलेशनशिप बिटवीन देम यानी रिलेशनशिप के बारे में हमें पता चलता है. जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल, यानी कि ऐसे जो होता है साइन उसे आप कैसे पता करोगे. ये एक बहुत आसान तरीका है. ये आप समझिए जैसे कि एक चिड़िया की चोंच है. चिड़िया की चोंच जो है वो बंद होती है वहाँ पे होता है, जहाँ चोंच का जो बंद वाला हिस्सा होता है वहाँ पे होता है छोटा, और जहाँ पे बड़ा मुंह होता है वहाँ होता है बड़ा. यानी कि आपको एक इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये हिस्सा बड़ा है इसकी साइड में बड़ा होगा, ये हिस्सा छोटा है तो इसकी साइड में छोटा होगा. अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. लुक एट द नंबर लाइन. नंबर लाइन तो आपको पता है, बिल्कुल पता होनी चाहिए. उसमें लिखा हुआ है 7 इज द राइट ऑफ 5, यानी 7 के पहले राइट साइड में 5 आया है. 5 कम्स बिफोर 7, 7 के पहले 5 आया है. एक ही चीज को आपको अलग अलग वर्ड्स में बताया गया है. 7 इज मोर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि जो 7 है वो 5 से बड़ा है. इन सारी चीज़ों का मतलब यही है कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है. फिर लिखा हुआ है स्मॉलर देन, यानी कि 3 इज द लेफ्ट ऑफ 5, 5 जो है उसके लेफ्ट साइड में 3 आता है, यानी 3 कम्स बिफोर 5, 3 इज स्मॉलर देन 5, यानी कि जो 3 है वो छोटा है 5 से. इन सारे जो वर्ड्स के मीनिंग है उसका यही मतलब है कि 3 5 से छोटा है. इक्वल टू, इक्वल टू का निशान ऐसे होता है यानी कि जो दो डिजिट सेम होती है उसके पास हम ऐसे इक्वल टू का निशान लगाते हैं. जैसे कि 2 इज इक्वल टू 2, 6 इज इक्वल टू 6, है ना कितना आसान. सबसे फर्स्ट है ग्रेटर देन, फिर स्मॉलर देन एंड इक्वल टू. ग्रेटर मतलब बड़ा, स्मॉलर मतलब छोटा, और इक्वल मतलब सेम, है ना. अब इसके आगे चलते हैं. यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आप देखिए. जैसे कि लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन इज द बॉक्सेस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करो ग्रेटर देन. जो ग्रेटर देन साइन है उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा साइन बनाया गया है, अब ये आपको काउंट करने हैं. 1 2 3 4, 4 यहाँ पे लिखना है, 1 2 3 ये यहाँ पे लिखना है. पता चल गया 4 इज ग्रेटर देन 3. यहाँ पे कितने बनाए हैं बच्चे? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4. अब इसमें आपको साइन लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? जो 5 है वो है बड़ा और 4 है वो है छोटा. तो जो चिड़िया की चोंच है वो इस साइड तो होगी बड़ी साइड और इस साइड होगी छोटी वाली, यानी जो चिड़िया का मुंह खुलेगा वो बड़ी साइड में खुलेगा 5 के साइन में. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ स्मॉलर देन इन द बॉक्स, ये था ग्रेटर देन और ये है स्मॉलर देन. जैसे ये है, कितने हैं एनिमल्स? 1 एंड 2. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 और 3. अब बताइए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. ऑब्वियसली 3 है वो बड़ा है और 2 है वो छोटा है, तो आपके ऐसे साइन लगाना है. जो बड़ा होगा उसकी साइड मुंह खुला होगा, जो छोटा होगा उसकी साइड मुंह बंद होगा. अब यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4,
तो ऐसे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इक्वल टू इज इक्वल टू इन द बॉक्सेस, यानी कि अब हमको क्या करना है, इक्वल टू देखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 डिजिट सेम है तो आपको इक्वल का निशान लगाना है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यानी इक्वल का निशान आपको लगाना है। अब आपको इसी की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है फिल द स्मॉलर नंबर, यानी जो 3 से छोटा नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है, तभी ये जो साइन है वो काम करेगा। यानी 3 से 2 क्या छोटा क्या होगा, 2, 6 से छोटा होगा 5, 9 से छोटा होगा 8, और 2 से छोटा होगा 1, 7 से 6 और 8 से 7। यानी कि यहाँ पे तब ये साइन काम करेगा जब यहाँ पे छोटी संख्या होगी, 2 इज लेस देन 3, 2 जो है वो स्मॉलर देन है 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है फिल द ग्रेटर नंबर, यानी कि आपको इस साइन को सही करने के लिए जो 1 है उससे ग्रेट नंबर आपको लिखना है। क्या लिखोगे, 2, 5 से ग्रेट 6, 6 के बाद 7, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5 और 8 के बाद 9 आ जाएगा। कितना आसान है बच्चों, है ना। अब इसी तरीके से लिखेंगे फिल द इक्वल नंबर। यहाँ पे आपको साइन और ये दिया गया है और कहा गया है कि इक्वल नंबर, तो ये तो बिल्कुल आसान है, सेम नंबर ही लिखना है। 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4 थोड़ी होगा, 3 और 4 इक्वल नहीं होंगे, 3 और 3 ही इक्वल होंगे। 6 इक्वल टू 6, 9 इक्वल टू 9, 5 इक्वल टू 5, 8 इक्वल टू 8 और 2 इक्वल टू 2 होता है। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अमन एडेड 52 टू 23, बट अमन ने क्या किया, इन दोनों डिजिट को ऐड किया, बट अक्षय एडेड 52 और 34, हुज आंसर इज ग्रेटर एंड वाई। आपको क्या पूछा गया है कि अमन ने ये दोनों संख्याओं को जोड़ा था, अक्षय ने ये दोनों संख्याओं को जोड़ा था, तो इन दोनों संख्याओं में से किसकी संख्या बड़ी है और क्यों। आप इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, जैसे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, अब 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8। अब आपको इसका करना है। अब आप बताइए कि 87 बड़ा है कि 75, 87 बड़ा है ना। तो क्या हो गया कि जो अक्षय का आंसर इज ग्रेटर एंड वाई, अक्षय का जो प्लस किया गया है वो बड़ा होगा क्योंकि वो डिजिट बड़ी है। अब इसमें दूसरी एक और पूछा है, रेखा वॉज आस्क्ड टू सब्सट्रैक्ट 49 फ्रॉम 91, बट जो रेखा है उसने क्या किया, 91 में से 49 को माइनस किया, बट शी सब्सट्रैक्ट 32 फ्रॉम 91। उसे करना 91 में से 49 माइनस था, पर उसने क्या कर दिया, 91 में से 32 माइनस कर दिया। इज हर आंसर इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द करेक्ट आंसर, इन दोनों के आंसर से इन दोनों का जो आंसर है वो ग्रेट है या फिर स्मॉल है, ये मुझे बताइए। ऐसा लिखा गया है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन इट विथ द सब्स्टिट्यूटेबल रीजन। जैसे कि आंसर आया है 41 फर्स्ट वाले का और 58 सेकेंड वाले का, तो इसका आंसर लिखा गया है कि उसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, स्मॉलर नहीं आएगा। अगर वो 49 और 91 का करती तो 41 आता, और अब उसने 91 में से 32 माइनस किया तो 58 आया, तो वो डिजिट बड़ी है। अब आपको ये वाला चैप्टर तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ये साइन लगाने हैं ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल के, ठीक है बच्चों।